पिछले दिनों इस खबर ने फैंस को निराश कर दिया था कि नागिन 3 फैब में ऑफर कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक शो को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी अब ये शो मई तक चलाया जाएगा। ऐसे में अब इस खबर के सामने आने के बाद से इस बात के बहुत तगड़े चांसेस बन गए हैं कि शो में चौथी नागिन की एंट्री हो। जी हाँ, अब जैसा कि आप शो के करंट ट्रैक में देख ही रहे हैं कि माहे को पागल दिखाया जा रहा है, वहीं शो में 6 महीने की लीव के बाद बेला की भी दोबारा एंट्री हुई है। हालांकि शो में विश की मौत दिखाई जा चुकी है। दरअसल दिखाया ये जा रहा है कि विश की मौत हो गई है और अब वो अपने दुश्मनों से बदला ले रही है। ऐसे में अब आप शो में देख रहे हैं कि बस गिने चुने ही किरदार बचे हैं, माहिर, बेला और विक्रांत और साथ ही कुछ किरदार भी। दरअसल अब तक कहानी कुछ यूं आगे बढ़ रही है कि बस शो का एंड हो ही जाएगा, लेकिन अब चूंकि शो को मई तक चलाने की प्लानिंग हो ही गई है, तो ऐसे में अब मेकर्स को शो को ऐसे मोड़ पर ले जाना होगा जहां से कहानी में और ज्यादा एक्साइटमेंट बन सके। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इन 3-4 महीनों में शो में कई मजेदार ट्विस्ट के साथ साथ कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हो, और फिर इन्हीं एंट्रीज में से एक एंट्री हो सकती है चौथी नागिन की। जी हाँ, हो सकता है कि आगे चलकर इसी चौथी नागिन की एंट्री के बाद शो को ऐसे मोड़ पर खत्म किया जाए जहाँ से शो के नए सीजन की शुरुआत हो। तो अब आगे नागिन 3 में क्या क्या होगा? क्या वाकई शो में चौथी नागिन के धमाके के साथ ही नागिन 3 का अंत होगा? वह ये जानने का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं।